हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब आप अच्छे होंगे, घर में रहिए और सेफ़ रहिए और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मंगाते रहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लड़कियों को तो क्या चाहिए कि मेकअप के प्रोडक्ट्स मिल जाए, क्लोथ्स मिल जाए, तो बस वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो बिल्कुल अफोर्डेबल हैं, चीपेस्ट हैं, लॉन्ग लास्टिंग है और कम प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है। और जो आज मैंने मेकअप जो कर रखा है सारा, वो इन्हीं प्रोडक्ट से कर रखा है। आप देख सकते हैं कि कितना ग्लोइंग इसमें जो टेक्स्चर आया है मेरे फेस पर, वो बहुत अच्छा है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं एकदम रीज़नेबल रेट पर आपको मिल जाएंगे। आप पर्पल की साइट पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं और जो भी इसके लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर बाय कर सकते हैं। तो जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो बात करूंगी वो मैं बात करूंगी मेकअप ब्रशेस। जो मेकअप ब्रशेस होते हैं वो आपके मेकअप को एक अच्छा लुक देने के लिए बहुत यूज़ में आते हैं। हम कोई प्रोफेशनल नहीं हैं पर हमको मेकअप ब्रशेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम लाइट मेकअप करें तो उसके लिए हमको ये मेकअप ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है और वो भी एक अफोर्डेबल रेंज में। तो आज मैं बात कर रही हूँ जो मेकअप ब्रशेज़ हैं वो है स्विस ब्यूटी के। आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी के मेकअप ब्रशेज़ हैं। तो ये जो पैकेजिंग मिलती है आपको कुछ ऐसी प्लास्टिक की पैकेजिंग मिलेगी, ब्लैक कलर की पैकेजिंग है। इस पर जो बैक का साइड है इस पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कौन कौन से ब्रशेज़ हैं और कौन कौन से यूज़ में आ सकते हैं। इसमें आपको जो ब्रशेज़ मिलेंगे वो 5 का सेट मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। इससे एक हाई रेंज का भी आता है, उसमें आपको 6 मतलब पीसेस मिल जाएंगे, वो 699 समथिंग का आता है। ये मुझे समथिंग 319 या 320 समथिंग का मुझे पड़ा है। इसमें जो आपको पहला ब्रश मिलेगा वो फेस पाउडर लगाने के लिए है, पर आप इससे ब्लश भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रश हम एक ही चीज़ के लिए काम में ले, वो हम ज़्यादा चीज़ों के लिए भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ब्रश इसमें है वो है एंगल ब्रश। एंगल ब्रश से आप क्या कर सकते हैं, जो भी अपनी आईब्रोज़ हैं उसको आप फिल कर सकते हैं और जो नीचे हाईलाइटर लगा सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में जो हाईलाइटर लगाते हैं वो भी आप इस ब्रश से लगा सकते हैं। और जो आपकी जब आप आई शेडो लगाते हैं, जब आप साइड कॉर्नर्स अपना सेट करते हैं तो आप एंगल ब्रश से ज़रूर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें दिया है लिप ब्रश। लिप ब्रश से क्या होती है, जो भी आपके लिप्स हैं उसके आप फिलिंग कर सकते हैं, उससे आप जो अपना आई शेड है उसकी जो ऊपर की क्रीज है वो भी उससे आप बना सकते हैं। आप इन जो भी ये ब्रशेज़ हैं आपको डिफरेंट टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ के लिए इसको यूज़ करें। उसके बाद इसमें आता है एक आई शेडो ब्रश, उससे आप आई शेडो अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके ब्रिसल्स हैं। और इसमें एक आपको ऐसा पफ टाइप का भी एक आपको ब्रश मिलेगा, वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। पफ ब्रश जो होता है वो बस आपके जो इनर कॉर्नर्स में आप इस साइड में जो आप हाईलाइटर लगाते हैं उसके लिए वो बेस्ट हो सकता है। तो चलिए इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ कि इसके ब्रिसल्स कैसे हैं और इसका कलर कैसा है। मैं आपको ये 5 सेट मिलेगा ब्रशेस का। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रश की, बहुत ही सॉफ्ट है। कुछ भी आपको इसमें ब्रश में मतलब हार्ड जैसा कुछ भी चीज़ नहीं लगेगा। और ये जो आपके बहुत अच्छे से ब्लैंड हो, इससे लूज़ पाउडर लगाइए, चाहे आप इससे ब्लश लगाइए, कुछ भी काम इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ब्रश है ये वाला, जिससे आप आई शेडो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है पफ ब्रश, इससे आप अपने जो भी इनर कॉर्नर्स हैं उस पर हाईलाइटर लगा सकते हैं। और ये आपको मिलता है एंकर ब्रश, जिससे आप अपने आईब्रो फिलिंग कर सकते हैं और जो भी आई शेडो का आप साइड वाला पार्ट बनाते हैं उसको इससे ज़रूर सेट कर सकते हैं। और ये आपको एक छोटा सा ये लिप ब्रश मिलेगा। लिप ब्रश आप हाईलाइटर के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो अपनी आईब्रोज की क्रीज आप बना रहे हैं या फिर आई शेडो की जो आप क्रीज बना रहे हैं वो भी इससे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस में 5 सेट जो मुझे मिला है बहुत ही अच्छी प्राइस में मिला है और जो भी इसके ब्रशेज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप ज़रूर इस प्राइस में ये ब्रशेज़ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे ब्रशेज़ हैं ये। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है सेकंड है ये कंसीलर। कंसीलर तो बहुत ज़रूरी है, जिसके भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं उसको लगाना बहुत ज़रूरी है और जो भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो भी आप अच्छे तरह से लगा दें। मैं आपको साइड में वीडियो में बता दूंगी कैसे इसको अप्लाई करना है और कैसे इसको अपने जो भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको हम छुपा सकते हैं। तो कंसीलर ज़रूर अप्लाई किए जब भी आप कोई भी पार्टी मेकअप कर रहे हैं। तो इसका जो शेड है वो है 03 03 लाइट मोयन। ये वाला जो शेड है सब मतलब जो भी आपके मतलब मीडियम जो स्किन टोन होता है अपने उसके लिए बेस्ट है, मेरी स्किन के लिए बेस्ट है। एकदम स्मच प्रूफ है, मतलब अच्छे से आपके ब्लैंड हो जाएगा आपके, कुछ भी आपको ऐसा क्रैकी सा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है आपकी स्किन।
तो ज़रूर आप ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर ट्राई कर सकते हैं, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, बहुत अच्छा है। मैंने भी इसको लगा के अभी देखा है तो अच्छे से मेरे जो इस पर ब्लेंड हो गया। बस आपको कंसीलर के बाद लूज पाउडर या फिर जो आपका फेस पाउडर आता है बस उसको आपको लगाना है और इसको अच्छे से आपकी जो है टोन उसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, बस इसको आपको ये करना है। और ये जो कंसीलर है इसके आपके पीछे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस इस पर लिखी हुई है वो 229 लिखी हुई है, पर मुझे ये 218 में मिल गया। और इस प्राइस में कंसीलर एकदम बेस्ट है, अच्छे से आपके जो भी डार्क सर्कल्स हैं उसको छुपा देता है, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको छुपा देता है। मैं इसको आपको ट्राई करके भी बता देती हूँ कि कैसा ये स्मज अच्छे तरह हो जाएगा आपके स्किन पर। और बात करते हैं इसके पैकेजिंग की, तो ये थोड़ा सा ग्लास बॉटल में आता है और इसमें आपको बहुत ही कम क्वान्टिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए बस आपको इतना सा लेना है और आपके अच्छे से स्मज हो जाएगा बस। और देखिए मेरे हैंड्स पे अच्छे तरीके से देख लिए, बिल्कुल ही अब्सॉर्ब हो गया है, कोई भी इसमें क्रैकीनेस नहीं है और ऐसा मतलब ऐसा चिपचिपा सा भी नहीं है कि अपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है तो वो आपके फेस पे। देखिए बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है और आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। ये कंसीलर जो है स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कंसीलर के बाद जो थर्ड चीज़ मैं बात करी वो है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर। इसको आप हाइलाइटर प्राइमर भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप हाइलाइट की जगह इस प्राइमर को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा टेक्सचर है जो एकदम गोल्डन पार्टिकल्स आपको इसमें दिख जाएंगे, गोल्डन आपको ग्लिटरी पार्ट इसमें दिख जाएंगे। और इसकी पैकेजिंग मैं बता देती हूँ, कुछ ऐसी पैकेजिंग इसकी आपको मिलेगी, कुछ ग्लास की बॉटल है, कुछ वाइट वाइट है, इसमें आपको क्रीमी बेस प्राइमर मिल रहा है जो बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, एकदम पिगमेंटेड है और आपके अच्छे से आपके स्किन पे या आपके जो भी डार्क जो भी आपका फेस की स्किन है उस पर अच्छे तरह से एब्जॉर्व हो जाएगा, कुछ भी इसमें क्रैकनेस नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ भी आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपने इस फेस पे लगाई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऐसा सा इसका गोल्डन कलर की इसकी आपको ऊपर की ऐप मिलेगी, इसको आपको ओपन करना है। कुछ ऐसा पंप बॉटल सा आपको इसमें मिलेगा। पंप बॉटल से क्या होता है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके मतलब इस पर नहीं आएगी। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा इसका टेक्सचर है। आपको इसके पंप बॉटल से थोड़ा सा आपको इस पर अपने जो भी हैंड्स या जो भी अपने फेस पे उस पर लेना है, उसको भी आपको अच्छे से आपको फिंगर से आपको अच्छे से इसको रब करना है। देखिए कितना अच्छा इसका जो बेस है वो है, मतलब अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। जिसकी भी ड्राई स्किन है उसके लिए बेस्ट है, एक मॉइस्चराइजिंग लेयर आपके लिए बना देगा, आपको अलग से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मेरे जो भी हैंड्स पे है अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। इसमें छोटे छोटे आपको जब आप बाहर जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे से आपको ग्लिटर्स के पार्ट्स दिखेंगे जो बहुत ही अच्छा इसको एक लुक देते हैं। और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई करिए, अच्छी सी इसमें फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है। और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। इसका प्राइस जो इस पर लिखा हुआ है वो समथिंग 399 लिखा हुआ है, मुझे 315 या 319 समथिंग में मिला था। इसकी मैं प्राइस आपको बता दूँगी कि कितने में है। उसके बाद बात करते हैं यही स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक की बात करते हैं। ये एक लिक्विड लिपस्टिक है, इसका जो शेड है 01 हॉट रेड। अगर आप रेड कलर का लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं पैकेजिंग की, कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलेगी, ग्लास भी कह सकते हैं इसको इसमें। और उसके बाद इसमें आपको ऐसा ब्रश मिलेगा जो बहुत ही अच्छा है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इसके शेड की बात करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कुछ इस तरीके का शेड आपको मिलता है, एक ही बार में अच्छे से अप्लाई हो जाएगा आपके जो भी लिप्स में, बहुत ज़्यादा आपको ये लिप्स को ड्राई नहीं करेगा। आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे समथिंग 180-190 की मिली थी और ये 3 या 4 मिनट्स में अच्छे से आपके लिप्स पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज़्यादा ड्राई नहीं करेगी। मैंने इसको पहले ट्राई करके देख चुकी हूँ, इसका शेड बहुत अच्छा है। और आप ज़रूर अगर लिक्विड लिपस्टिक देखना चाहते हैं तो ज़रूर इसके स्विस ब्यूटी की ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे शेड्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जो मुझे 2 बोनस फ्री चीज़ें मिली थी जब मैंने 4 प्रोडक्ट्स खरीदे थे, तो उसके बाद मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिले थे वह स्विस ब्यूटी के नेल पेंट, मुझे इन सब के साथ में फ्री मिली थी। पर ये इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही गंदा आया है। मैंने जब इसको लगाया तो मतलब लगने के बाद इसको टाइम तो बहुत ज़्यादा ही लगा, इसको ड्राई होने में सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद जब मैं इसको रब करने लगी, मीन्स इसको मिटाने लगी, तो ये तो जा ही नहीं रही थी मेरे नेल्स पे से, बहुत ज़्यादा मेरे को इसको कठिनाई होनी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को इसको रब करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी इसको ट्राई नहीं करेंगे। दिखने में तो बहुत अच्छी है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और जो इसके अंदर ही चीज़ है वो भी नई तरीके की है, कुछ ऐसे ऐसे
पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, मैं आपको लगा के बता देती हूँ कैसे इसके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके की आपको ये नेल पेंट दिखेगी, कुछ ऐसे वाइट से पिंकिश से इसमें पार्टिकल्स हैं, पर अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी नेल से पता नहीं क्या लगा लिया है। तो मैं इसको रिव्यू बिल्कुल भी अच्छे नहीं देना चाहूँगी, अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत इसको लीजिए। उसके बाद मेरे को एक और चीज़ मिली थी, वो है इसका गुड वाइब्स का सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र अच्छा है, वो मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में तो ये चीज़ें यूज़ में आ रही हैं, तो मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो चीज़ें थी मेरे पास थोड़े दिन पहले ही आ गई थी, पर मैंने इसको 2 दिन रख लिया था, फिर उसके बाद मैंने ओपन किया था, फिर मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं और आज आपके लिए बताते हैं कि कैसे इसके रिव्यूज़ हैं। इसके रिव्यूज़ भी मैंने देखे थे, बहुत अच्छे आए हुए हैं। फिर मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ लगी है इन प्राइस में, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। तो आप और जो मेरी एंड स्क्रीन है उस पर भी जाके आप बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक आप देख सकते हैं, जो भी आप चीज़ से रिलेटेड है, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं उस चीज़। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे कि मैं धीरे धीरे मेहनत कर रही हूँ अपने वीडियोज़ में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करने में कभी मत छोड़ना, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक करते रहना।